पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में बालको अस्पताल प्रबंधन ने बालको नगर और अपने गोद लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2247 बच्चों को पोलियो निरोधी दवा की खुराक दी। बालको अस्पताल में अभियान की शुरुआत बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी ने की। अभियान में भागीदारी करने वाले चिकित्सा कर्मियों और स्वयं सेवकों को बालको अस्पताल प्रबंधन ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। बालको अस्पताल प्रबंधन ने बालको नगर और अपने गोद लिए गांव में 8 टीकाकरण केंद्र बनाए थे। बालको अस्पताल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी ने की। बालकों के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी। बालकों के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एससी पंत के मार्गदर्शन में बालको अस्पताल के अनेक चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और बालको महिला मंडल की सदस्याओं ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में सराहनीय योगदान दिया। अभियान के पहले दिन 1940 बच्चों को पोलियोरोधी दवा दी गई। दो दिवसीय घर घर टीकाकरण अभियान में 307 नौनिहाल पोलियोरोधी दवा से लाभान्वित हुए। बालको अस्पताल के सभागार में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर थे। श्री धीर एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। टीकाकरण अभियान के समापन कार्यक्रम में बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। बालको अस्पताल की तरफ से मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इस नेशनल प्रोग्राम को इन 3 दिनों में अपनी लगन और मेहनत से पूर्ण किया और इसको पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा। 3 दिनों का ये प्रोग्राम था जिसमें पहले दिन बालको अस्पताल में और कुछ विलेजर्स में कैंप लगाए गए जहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई गई। ये 10 तारीख को पहला दिन था और 10 तारीख को 1940 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई जिसमें 1011 मेल थे और 929 फीमेल। दूसरे दिन जो बच्चे बच गए थे उनको देखने के लिए हर घर जाने का प्रोग्राम था। 11 तारीख को 2895 घर विजिट किए गए। बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी पूरा दिन लगा और बचे हुए 161 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। इसी तरह 12 तारीख को फिर घर घर विजिट की गई। 1701 घर इस दिन देखे गए और 146 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कुल मिला के 3 दिनों में 2246 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। मुझे विश्वास है कि इतना प्रयास और इतनी मेहनत जरूर रंग लाएगी, एक दिन भारतवर्ष पोलियो मुक्त जरूर होगा और इस सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। बालको की कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने टीकाकरण में सहयोग करने वाले सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और स्वयं सेवकों की प्रशंसा की। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी मेहनत इसमें गई होगी। बच्चे जो अपने आप आ जाते हैं, फिर घरों में भी गए आप तीनों दिन, उससे कोई बच्चा छूटा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा काम है, बड़ी मेहनत की आपने और डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। ये इनके मार्गदर्शन में ये काम पूरा सफल हुआ और CSR टीम ने भी अपना योगदान दिया, तो मैं तो यही कहूँगा कि सबने बहुत अच्छा नेक काम किया है। श्री धीर और डॉक्टर श्रीवास्तव ने टीकाकरण अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले स्वयंसेवकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम का संचालन बालको अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस सी पंत ने किया।